मजे हैं अपने एशिया में ट्रैवल करने के। आप ट्रेन के एक खिड़की के ऊपर गुड मॉर्निंग गाइज और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। ढाका से निकलने का टाइम आ गया है मेरा। आज मैं बांग्लादेश में पहली बार ट्रेन की राइड लेने वाला हूँ ढाका से सिलियत तक। वैसे मेरी ट्रेन है ढाका रेलवे स्टेशन से, लेकिन मैं ऑलरेडी थोड़ा लेट हो चुका हूँ, तो यहाँ से जो एयरपोर्ट का स्टेशन है वहाँ पे जाऊँगा, वहाँ से मुझे ट्रेन मिल जाएगी जिस ट्रेन में मुझे जाना है। कल मैंने इसकी टिकट करवा ली थी, लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी भूख भी लगी हुई है, और मेरे हिसाब से अगर एक बार मैं ट्रेन में चढ़ गया फिर मुझे खाने पीने के लिए कुछ मिलेगा नहीं, और जो एयरपोर्ट का रेलवे स्टेशन है वो यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो थोड़ी पहले पेट पूजा करके ही जाऊँगा। एक रेस्टोरेंट तो मिल गया मुझे, लेकिन यहाँ पे पंगा ये है कि सब कुछ बंगाली में है। दादा कुछ बताइए ना यार, मुझे बंगाली नहीं आती है। हिंदी जानी ना? समथिंग वेज, समथिंग वेज, वेज नान होगा, नान एक दाल और दो नान, नहीं नॉर्मल दाल, दो नान मंगवाई हैं और एक मिक्स वेज। सुबह सुबह यार नॉनवेज खाने का मन नहीं होता, और वैसे भी जो मेरा नॉनवेज का इंटेक है वो धीरे धीरे मैं कम कर रहा हूँ। ये है नान और ये है नॉर्मल मिक्स वेज। नान का जो टेस्ट है ना यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं बात करना चाहूंगा वीगो ऐप के बारे में। वीगो एक ग्लोबल ट्रैवल ब्रांड है और इसकी जो सर्विसेज हैं वो काफी लैंग्वेज और काफी करेंसीज में अवेलेबल है, और ये तब हैंडी हो जाता है जब आप अपनी इंटरनेशनल होटल बुकिंग्स और इंटरनेशनल फ्लाइट बुकिंग कर रहे होते हो। उस टाइम वीगो क्या करता है, सैकड़ों वेबसाइट्स के प्राइस कंपेयर करता है और जो चीपेस्ट फेयर होते हैं वो आपके सामने शो करता है, जिसमें मेक माई ट्रिप, इज माई ट्रिप, क्ले ट्रिप, इन सभी के प्राइसेज इंक्लूडेड है। वीगो के ऊपर आप जो फ्लाइट की कंपनीज हैं जैसे स्पाइस जेट, इंडिगो, गो एयर, इनके ऊपर भी बुक कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली आप वीगो के भी बुक कर सकते हो। और सेम यही प्रोसेस होटल बुकिंग्स के लिए भी है, और यहाँ पर होम रेंटल्स की भी सर्विसेज अवेलेबल हैं। इसमें आपको agoda.com के भी प्राइस होंगे, मेक माई ट्रिप होम रेंटल्स के भी प्राइस होंगे, booking.com के भी प्राइस होंगे, और साथ ही साथ Airbnb के भी। और रिसेंटली ही वीगो के अंदर एक नया फीचर इंक्लूड किया है, ट्रेन बुकिंग्स। आप अपनी IRCTC लॉगिन डिटेल्स के थ्रू वीगो के ऊपर भी ट्रेन की बुकिंग कर सकते हो। वीगो दुनिया की सबसे फास्टेस्ट लोडिंग वेबसाइट है, और ये जब यूजफुल हो जाती है जब आप लो नेटवर्क एरियाज में होते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के थ्रू आप वीगो ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हो, और जिन्होंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है वो अपनी ऐप को अपडेट भी कर सकते हो। और अब वापस चलते हैं हमारी ट्रेन राइड की तरफ। 10-15 मिनट तो ब्रेकफास्ट हो गया है। और यार ब्रेकफास्ट के लिए मैंने अभी सिर्फ 160 रुपये पे किया, जिसके अंदर एक ग्रेप जूस था, दो नान थी और एक सब्जी थी। अरे अरे अरे, एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन कौन सा बस जाएगा? एयरपोर्ट जेबे, एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन ये वाला, ये थैंक यू। बस वाले यहाँ के नेक्स्ट लेवल क्रेजी हैं, पता नहीं कैसे चलाते हैं भाई, एक कंपटीशन कर रहे होते हैं एक दूसरे वाले बस में, रेस लगाते हैं भाई। लगभग आप यहाँ पे जितनी भी बसेस देखोगे सब ठुकी हुई हैं। मुझे लग रहा था यहाँ पे कम भीड़ होगी, यहाँ तो भाई दबा के भीड़ है। कोई ट्रेन आ तो रही है, लेकिन मेरे वाली ट्रेन नहीं है ये, मेरे वाली ट्रेन आएगी लगभग 12 बजे के आसपास, और अभी सिर्फ 10:30 हुए हैं। भसड़ एकदम अपने इंडियन रेलवे जैसी है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, और 1.5 घंटा वेट करना पड़ेगा यार। मैंने टिकट ली थी AC सीटिंग में, और उसके लिए मैंने पे किए हैं 780 टाका, लगभग 750 रुपये के अराउंड। जर्नी होने वाली है लगभग 7 घंटे की, डिस्टेंस है अराउंड 250 किलोमीटर का। 12:45 बजे ट्रेन यहाँ से चलेगी, और 7 बजे मैं सिलियत पहुंच जाऊंगा, उस टाइम तक अंधेरा हो चुका होगा। आप एक जगह ढूंढते हैं जहाँ पे मैं बैठ जाऊँ। जो ट्रेन जा रही है इसके बाद आएगी मेरी ट्रेन, बांग्लादेश में इनको इंटरसिटी ट्रेन्स बोलते हैं,
यानी जो बांग्लादेश की बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं उनके बीच में ये ट्रेन चलती हैं। अभी स्टेशन पे एक दूसरी ट्रेन आ रखी है और उसके अंदर जो बांग्लादेश रेलवे के पहले कोच होते थे ना इंटरसिटी एक्सप्रेस के, वो हैं। देखिए आप, शायद जो मेरी ट्रेन है वो आने वाली है। और मैंने बस अभी थोड़ी देर पहले इंस्टा पे स्टोरी डाली थी, यासिन भाई स्टोरी देख के यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे आ गए, क्योंकि भाई को ट्रेन का टाइम का भी नहीं पता था, बस ऐसे ही रैंडम आ गए। और किस्मत अच्छी थी कि हम दोनों मिल लिए, नहीं तो मैं अभी तक निकल चुका होता। कुछ देर मोबाइल कैमरा मैं एकदम टाइट पकड़ा है फोन भी केयरफुल हाँ फोन भी केयरफुल है दादा। ओके ब्रदर, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू। 31 पीछे वाले क्या? 31 ये स्लीपर है क्या? ये स्लीपर नहीं है, सीटिंग है। ये सीट लगता है ये बस ऐसे ही। अरे मेरा सीट नंबर है 31, जो विंडो सीट, जो टिकट काटने वाले भाई साहब थे मैंने उनको बोला था कि यार प्लीज़ मुझे विंडो सीट दे देना, पहले तो बोल रहे थे कि नहीं है, बाद में उनको शायद मिल गई थी। और ये बाकी आप देख लीजिए, आपका नाम दादा? जाकिर दीपांशी। आपका दादा? रहीम। ये रहीम दादा ये भी सिलेत जा रहे हैं। और आप किधर जा रहे हैं? सिलेत। कैसे बोलते हैं सिलेत? सिलेत सिलेट। ट्रेन चल पड़ी है यार और अब यहाँ से 7 घंटे लग जाएंगे हमें सिलेट पहुँचने में। इस कैबिन में जितने बंदे बैठे हैं ना सारे के सारे सिलेट ही जा रहे हैं, सब सिलेट है। आप भी सिलेट? तो भाइयों के साथ गप्पे मारते हुए जाऊँगा। बाकी इधर ये देखिए, ये भी है, ये पंखा भी। अभी आप देखिए मैं किधर से जा रहा हूँ, इधर है बांग्लादेश और इधर है महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट, यानी जो अगरतला का एयरपोर्ट है ना, तो बिल्कुल अगरतला के बिल्कुल पास से जा रहा हूँ मैं। ये मान लो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस भी नहीं है। अभी इंडिया बिल्कुल साइड में चल रहा है ना, अगरतला भी देखा है, अगरतला का एयरपोर्ट यहाँ से दिखता है। मेरा केबिन तो उसे थोड़ा बाहर आ गया यार, पैर सीधे कर लेते, पैर दुखने लग गए थे। हमारे केबिन में ना आधे जगह पर तो सामान रखा हुआ है। जिन भाई के साथ मैं ट्रैवल कर रहा हूँ वो रहते हैं मिडिल ईस्ट में, और मिडिल ईस्ट से दुबई के सामान लेके आए हैं और अपने घर पे जा रहे हैं। यही मजे अपने एशिया में ट्रैवल करने के, आप ट्रेन के खिड़की के ऊपर। हेलो हेलो, और ये ट्रेन हिलती बहुत है यार, थोड़ा और। आई थिंक ये जो कोचेज है ना ये मेड इन इंडोनेशिया है, इधर प्लेटफॉर्म है ही नहीं, प्लेटफॉर्म थोड़ा आगे रह जाता है, शायद कोई छोटा सा कस्बा आया होगा। हेलो क्या बोल रहे हैं? ये तू है बाबा? दादा बंगाली जाने ना। क्या बोल रहे हैं? अच्छा फोटो ले रहे हैं। हाँ अभी एक बच्चा आगे मेरे से बोलता है कि भाई ये क्या है हाथ में ले रखा आपने, फिर मैं उसको समझा रहा हूँ कैमरा है। अब उस भाई को शायद हिंदी आती नहीं थी और मेरे को इतनी बंगाली आती है, मैं 2 मिनट में बोल देता हूँ। चल पड़ी है ट्रेन वापस से। ये स्टेशन है मंतला, की कोरबे बहुत अच्छा है। देख रहे हो बच्चे आजकल के तो पुल बन रहा हुआ, ये उंगलियां दिखा के सच में कसम से भाई।
मेरा मन था कि मैं कुछ खाने के लिए लूँ, उतरा भी, लेकिन जब तक मैं आया यहाँ से जो खाना देने वाले या फिर कुछ भी नहीं मिला मुझे यार, सब चले गए यहाँ से। 4:15 हो चुके हैं और अभी भी 3 घंटे हैं हमारी जर्नी को ख़त्म होने में। इस ट्रेन का नाम है जॉइंट का एक्सप्रेस, ढाका टू सिलेट। बांग्लादेश में मोस्टली तो मीटर गेज ऑपरेट करती है, लेकिन जब मैं ढाका में था ना तो मैंने ब्रॉड गेज के भी वो देखे थे। शायद आपको पता होगा कि एक इंडिया से ढाका के बीच में ट्रेन चलती है, मैत्री एक्सप्रेस। बाहर अंधेरा हो चुका है और हम पहुंच गए हैं सिलेट। खड़े होते ऊपर टच हो जाओगे आप, लो फ्लोर टाइप में है। पहुंच गया हूँ सिलेट में और अब यहाँ से मुझे अब होटल में जाना है। होटल ऑलरेडी बुक कर लिया है मैंने। ये है नॉन एसी सीटिंग, ये भी अच्छी है यार। बांग्लादेश रेलवे के जो नए कोच हैं वो सच में काफ़ी सही हैं। शाहजलाल उपोशोर, हाँ नहीं जाएगा दादा। CNG आप नोर शाहजलाल उपशहर ना, उपशहर ई ब्लॉक, उपशहर ई ब्लॉक, हाँ रोड नंबर 2, रोड नंबर 2 फरीदा यास्मीन बिला, 3 किलोमीटर दादा है, जामेला बेशी जामेला। कितना टका दादा? ओनली 300 टका। थैंक यू दादा। उपशहर ई ब्लॉक, उपोशोर ई ब्लॉक, ई ब्लॉक 120 रुपीज़, 100 टका दादा। मेला तो आई ब्लॉक भाई, ई ब्लॉक तो मेला ई ब्लॉक बा, जाओ खड़ा हो। बांग्लादेश के अंदर ये रिक्शा भी होता, बाइक भी होता है क्या? टैक्सी बाइक, टैक्सी बाइक। धन्यवाद दादा। लोकेशन ठीक होगा? एकदम ठीक होगा। तो बांग्लादेश के अंदर आपको जैसे अपने इंडिया में तो सिर्फ उबर या ओला के थ्रू या बाइक टैक्सी बुक कर सकते हो, यहाँ पे आपको नॉर्मल लोग मिल जाएंगे। थैंक यू। ओके ओके, ऑन और ऑफ? On, let it on. I want to take shower. Okay. Thank you so much, Dada. Okay. हाँ जी, मैं पहुंच चुका हूं सिलेट में और ये जो रूम है ये मैंने ऑलरेडी बुक कर लिया था। इस रूम के लिए आई हैव पेड 1500 रुपीज़ पर नाइट, लेकिन रूम अच्छा है यार। चेयर है, टेबल है, इसके ऊपर मैं आज रात को या कल से बोर्ड के वीडियो एडिट कर लूँगा। अच्छी वाईफाई की स्पीड है, रूम अच्छे हैं, क्लीन है एकदम। जो मेरे को पैसेंजर्स थे ना वो काफ़ी हेल्पफुल थे यार, अच्छा टाइम स्पेंड हो गया था। और ट्रेन की टिकट मैं आपको दिखाना भूल गया था, तो मैं ट्रेन की टिकट आपको दिखाता हूँ, रुकिए एक बार। हाँ जी, ये सॉरी नहीं नहीं ऐसे बांग्लादेश में ट्रेन की टिकट के ऊपर आपका नाम वाम कुछ नहीं होता है, ये टिकट ट्रांसफरेबल है, आपने बुक करवा लिया आप किसी और को भी दे सकते हो। एंड इस सीट के लिए आई हैव पेड कितना था, 736 था, सॉरी मैं आपको 760 बोल रहा था ना, 736 टका पे किए थे मैंने। इनका पहुंचने का टाइम तो था लगभग 7 बजे के अराउंड, लेकिन 7 बजे से पहले ही हम स्टेशन पे पहुंच चुके थे। अभी टाइम हो रखा है 19:08, 7:08। थोड़ी भूख भी लगी हुई है। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉयिंग योर लाइफ। नेक्स्ट वीडियो में आप वो जगह देखने वाले हो जिसका मिजोरम के साथ कनेक्शन है, सॉरी मिजोरम नहीं, मेघालय के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन है, और उस जगह को आपने मेघालय की फोटोज में बहुत ज़्यादा देखा होगा, उस जगह को आप बांग्लादेश की तरफ से देखने वाले हो। तो बस यार मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉयिंग योर लाइफ। बाय बाय।